नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग जिक्र करने वाले हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में। दरअसल मित्रों, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन है क्या, और वैलेंसी चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है। दरअसल मित्रों, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो कहा जाता है परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, अर्थात इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। मित्रों, हम संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में जिक्र कर रहे हैं। आप जानते हैं परमाणु होता है परमाणु क्रमांक, और उनका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करेंगे तो जब से जो सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उपस्थित होता है, उन्हीं को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए 2, 8, 1, और इसका जो सबसे बाहरी कोष है ये वाला है मित्रों, तीसरा कोष है। तो जरा ध्यान दीजिए, जो तीसरा कोष है मित्रों, ये संयोजी कोष है, और इन्हीं संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, राइट। तो सोडियम परमाणु में मित्रों संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, 282। इसके सबसे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है, राइट। तो मित्रों ये ध्यान रखना, मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12 है, 282, तो इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे संयोजी कोष क्या है, व्हाट इज वैलेंसी सेल, संयोजी कोष किसे कहते हैं, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मित्रों हमने कहा क्या, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, तथा परमाणु के सबसे बाहरी कोष में परमाणु के सबसे बाहरी कोष को संयोजी कोष कहा जाता है। भाई जो परमाणु का सबसे बाहरी कोष है उसे हम लोग संयोजी कोष कहेंगे, और उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। यहाँ पर देखिए लिखता क्या है, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, तथा परमाणु के सबसे बाहरी कोष को संयोजी कोष कहा जाता है। अब यहाँ पर मित्रों देखते हैं हम लोग, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन परमाणु में दूसरा कोष संयोजी कोष होता है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, 2, 6, राइट। तो इसमें दूसरा जो कोष है सबसे बाहरी कोष है, तो मित्रों इसी सबसे बाहरी कोष को हम लोग संयोजी कोष कहते हैं, राइट। और इसके बाद हम लोग संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में जिक्र करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।